ओम नमः शिवाय। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष रविवार दशमी तिथि दोपहर 2:55 तक लगी रहेगी। तत्पश्चात एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। चंद्रमा विशाखा नक्षत्र में 10:45 तक चलते रहेंगे। तत्पश्चात अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, जिसके नक्षत्र स्वामी शनि देव हैं। आज के जन्मे जातक सुंदर, खाने में शौकीन और स्वतंत्र विचारधारा के होते हैं। ऐसे जातक यात्रा में विशेष रुचि रखते हैं। ये दृढ़ निश्चय, उत्साही, खोजी प्रवृत्ति वाले, अच्छी संगति वाले, गुप्त कार्यों में विशेष रुचि रखने वाले और प्रतिशोध की भावना लंबे समय तक इनके अंदर बनी रहती है। ऐसे जातक विज्ञान तथा तकनीकी कार्यों में रुचि रखने वाले, सम्मान पाने वाले, उन्नतिशील और उच्च अभिलाषी भी होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा शनि और मंगल की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। चंद्रमा आज पूरे दिन वृश्चिक राशि में ही चलते रहेंगे, जिसके राशि स्वामी मंगल देव हैं। मेष राशि के जातकों के कार्यों में उपलब्धि हासिल होगी और आर्थिक पक्ष मजबूत होने से आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, मगर मन में नकारात्मक विचारों का आना और स्वास्थ्य के प्रति असंतुष्टि महसूस हो सकती है। कार्य योजनाओं में भागीदारी सफल रहेगी और आर्थिक मामलों में सफलता मिलती जाएगी। संबंधित मामलों में यात्रा भी संभावित है, मगर विरोधियों की वजह से अनावश्यक चिंता और हतोत्साहित महसूस करेंगे। शिक्षा प्रतियोगिता में अनुकूलता मिलेगी। पारिवारिक सुख चैन में कमी, मगर सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। वृष राशि वाले जातकों को मानसिक सक्रियता और बुद्धि कौशल का इस्तेमाल मन मुताबिक आर्थिक लाभ में सहयोग देंगे। कार्यों की अधिकता और नए प्रस्तावों के सामने आने का संकेत मिलता है। साझेदारी के काम आज के लिए लाभदायक रहेंगे। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। शासन सत्ता व अधिकारियों से सहयोग मिलता रहेगा। गृहोपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी। रुके हुए सरकारी कामकाज पूरे होंगे, मगर स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी विशेष तौर पर रखनी चाहिए। साथ ही पत्नी के स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना चाहिए। मिथुन राशि के जातकों के लिए कार्य क्षेत्र के विकास और नई कार्य योजनाओं के विस्तार का योग चल रहा है। रचनात्मक सक्रियता कार्य योजनाओं को सफल बनाने में सक्षम होंगी। साझेदारी सफल रहेगी। ईश्वरीय प्रेरणा और प्रशासनिक सहयोग जारी रहेगा। आर्थिक पक्ष में अचानक लाभ संभावित है और रुकी हुई योजनाएं चालू हो सकती हैं। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, मगर मन में नकारात्मक विचारों का दौर और स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं का संकेत भी मिलता है। सावधानी अपेक्षित है। कर्क राशि वाले जातकों के लिए कार्य क्षेत्र का विकास होगा और आर्थिक लाभ में सहयोग मिलता रहेगा। आपकी कार्य योजनाएं सकारात्मक रूप से चलती रहेंगी। अधिकारियों के उचित दिशा निर्देश का पालन करना चाहिए। चंद्रमा के नीच राशि में होने से आपके ऊर्जा स्तर और आत्मविश्वास में उतार चढ़ाव बना रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में मेहनत करनी पड़ेगी। साझेदारी के काम आज के लिए लाभदायक रहेंगे। पारिवारिक दायित्व की पूर्ति में चिंता और संसाधनों पर खर्च संभव है। स्वास्थ्य संबंधी विशेष सावधानी रखनी होगी। वाहन सावधानी से चलाएं और पारिवारिक माहौल को संतुलित रखने की कोशिश करें। सिंह राशि के जातकों के लिए कार्य क्षेत्र से उत्साह और मन मुताबिक आर्थिक लाभ बना रहेगा, मगर रुके हुए सरकारी कामकाज में विवाद और हस्तक्षेप संभावित है। हालांकि निजी निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। आपके मेहनत और दृढ़ इच्छा शक्ति से कार्य क्षेत्र के विस्तार में मदद मिलेगी। अधिकारियों की प्रेरणा और कार्य क्षेत्र में प्रोन्नति के अवसर सामने आएंगे। विद्यार्थियों को अध्ययन अध्यापन में सहयोग मिलेगा। नवीन रिश्ते की बुनियाद मजबूत होगी और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। कन्या राशि के जातकों को कार्य क्षेत्र में विस्तार का मौका मिलेगा। अपने बुद्धि कौशल और दृढ़ इच्छा शक्ति से कई प्रस्ताव अपने पक्ष में कर सकते हैं। साझेदारी के प्रस्ताव भी लाभदायक सिद्ध होंगे। मित्रों और सहयोगियों से भी लाभ संभव है, मगर मन में भ्रम व नकारात्मक भाव ना आने दें। कुछ कामों में अवरोध संभावित है। हालांकि आर्थिक पक्ष अनुकूल रहेगा। बच्चों से संबंधित मामलों में चिंता लगी रहेगी और अध्ययन अध्यापन में सहयोग मिलेगा। निजी निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल है। वैवाहिक प्रयास फलीभूत होंगे और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें। तुला राशि के जातकों को वाणी में संयम और विचारों में सुधार की प्रेरणा मिलेगी।
आपके द्वारा किए गए प्रयास सफल होंगे और ऊर्जा स्तर में वृद्धि होगी। अपनी कार्य योजनाओं को सुचारू ढंग से पूरा करने में सहयोग मिलेगा। आर्थिक लाभ मेहनत के अनुसार मिलता जाएगा। अध्ययन अध्यापन में सफलता मिलेगी। व्यावसायिक लेन देन में सावधानी रखें और नकारात्मक विचारों वाले व्यक्तियों से दूर रहें। शासन सत्ता व राजनीतिक व्यक्तियों से सहयोग मिलेगा। सामाजिक मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी और स्वास्थ्य के प्रति सावधानी रखनी चाहिए। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए आज का किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। चली जा रही रुकावटें खत्म होंगी। चंद्रमा आपकी राशि पर हैं, मगर यह उनकी नीच राशि है। रचनात्मक सक्रियता बनी रहेगी, मगर भावना प्रधान सोच विकसित होगी। मन में उठ रहे नकारात्मक विचारों को नियंत्रित करना जरूरी होगा। धैर्य और संयम से काम लेते हुए प्रयास जारी रखें। आर्थिक लाभ की स्थिति सामान्य रहेगी। मित्रों व सहयोगियों से भी लाभ संभव है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। धनु राशि के जातकों के बढ़े हुए आत्मविश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति का लाभ कार्य क्षेत्र के प्रगति में सहायक होगा और निरंतरता बनी रहेगी। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। संतान संबंधित दायित्व की पूर्ति होगी और संबंधित मामलों में खर्च संभव है। कार्य क्षेत्र में यात्रा का योग बनता है और नई कार्य योजनाओं के विस्तार में अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा, मगर किसी मामले को लेकर अनावश्यक वाद विवाद और हस्तक्षेप संभावित है। सावधानी बनाए रखें। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी और गृहोपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी। मकर राशि के जातकों को तात्कालिक भावावेश को नियंत्रित रखना चाहिए। केतु मंगल का योग आपकी राशि पर और नीचस्थ चंद्रमा 11वें घर में चल रहे हैं, जो कि सामाजिक और व्यक्तिगत रूप से मानसिक सोच को प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि अधिकारियों का सहयोग और विभागीय अनुकूलता बनी रहेगी। आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलता रहेगा। कार्य क्षेत्र में रचनात्मक दबाव जारी है। साझेदारी सफल रहेगी। पारिवारिक सुख संतुष्टि में वृद्धि होगी। विद्यार्थियों के लिए आज का समय अनुकूल रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सहयोग मिलेगा और सफल होंगे और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें। कुंभ राशि के जातकों के आत्मविश्वास और ऊर्जा स्तर में वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र में इसका लाभ मिलेगा, मगर मानसिक संवेदनशीलता और विरोधियों के सक्रिय होने से योजनाएं प्रभावित हो सकती हैं। सावधानी अपेक्षित है। हालांकि कार्य योजनाओं की निरंतरता बनी रहेगी और साझेदारी के प्रस्ताव लाभदायक रहेंगे। आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलता जाएगा। वैवाहिक प्रस्ताव सफल रहेंगे, मगर परिजनों के स्वास्थ्य को लेकर मन में चिंता बनी रहेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी और निजी निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। मीन राशि के जातकों के लिए आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। आय के नए स्रोत बनेंगे और धार्मिक भावना बलवती होगी। चल रही योजनाओं में गति आएगी। सरकारी कामकाज पूरे होंगे। आर्थिक लाभ के लिए सहयोग जारी रहेगा। रचनात्मक प्रयास सार्थक होंगे। पारिवारिक सदस्यों की सलाह पर अमल करें, लाभ मिलेगा। निजी निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। साथ ही स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सावधानी रखनी चाहिए। शिक्षा प्रतियोगिता में प्रयास जारी रखें। वैवाहिक प्रयास सार्थक होंगे और देव दर्शन के योग बनते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।